हाय स्टूडेंट, आई एम मिथिलेश पाठक फ्रॉम क्रांति गुरुजी चैनल। स्टूडेंट्स, कल टीचर्स डे है, शिक्षक दिवस, तो मैं समस्त गुरुओं के लिए कल का डे समर्पित करना चाहता हूँ। समर्पित तो ऑलरेडी है, लेकिन मैं अपने स्पीच के माध्यम से मैं समर्पित करना चाहता हूँ और गुरु शिष्य के बीच के संबंध को भी डिफाइन करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉन्ग से ही। गुरुवर तेरे चरणों की जो धूल जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की जो धूल मिल जाए, मैं सब सच कहता हूँ, मैं सच सच कहता हूँ, तकदीर बदल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या इस गाने में लिखा है, गुरुवर तेरी चरणों की जो धूल जो मिल जाए। चरणों की धूल की बात हो रही है, गुरु तो अलग हैं, अभी उनके चरण की धूल की बात हो रही है कि गुरुवर तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। अर्थात सोचिए, गुरु का स्थान कितना सर्वोपरि दिया गया है कि यदि हे गुरु आपके चरण की धूल भी यदि मिल जाए तो मेरा तकदीर ही बदल जाएगा, अर्थात असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। तो आज का ये लेक्चर डेडिकेटेड है टीचर्स डे के लिए, गुरु और शिष्य के संबंध के लिए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, आप सभी जान ले कि द बॉन्ड बिटवीन टीचर एंड टॉट दैट इज पेक्युलर इन इंडिया, द बॉन्ड बिटवीन टीचर एंड टॉट दैट इज पेक्युलर इन इंडिया। द टीचर इज नॉट, याद रखिएगा, द टीचर इज नॉट अ मैन हु कम जस्ट टू टीच मी एंड आई पे हिम सो मच एंड देयर इट इज़। याद रखिएगा इस लाइन को, द बॉन्ड बिटवीन टीचर एंड टॉट दैट इज पेक्युलर इन इंडिया, मतलब भारत में गुरु और शिष्य का जो संबंध है, भारत में जो गुरु और शिष्य का संबंध है वो अनूठा है, अनोखा है, अद्वितीय है, यूनिक है। इट मीन्स उसकी तुलना कोई और नहीं कर सकता। इसीलिए कई शिष्यों का नाम आता है, आप सुने हो गए, कई शिष्य का नाम, गुरु का नाम आज भी इतिहास के पन्नों में, कथाओं में, पौराणिक कथाओं में अमर है। तो भारत एक ऐसा देश है जिसकी उपमा अन्य देश भी देते हैं कि यहाँ गुरु और शिष्य की जो परंपरा है वो कहीं और नहीं है, किसी तरह नहीं देते हैं। इसके कई रीजन है, कई कारण हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये महात्मा गौतम बुद्ध ने ये वचन कहा है कि टीचर और गुरु का संबंध वो नहीं है कि टीचर आपके घर आए, आपको पढ़ाए और वहाँ आपका अंत हो गया, संबंध का खत्म हो गया, समापन हो गया। टीचर वो नहीं है, टीचर तो वो है जिसके लिए आपके दिल में यदि इज्जत एक बार बन जाए तो पूरे जीवन रहना चाहिए, क्योंकि संबंध एक दिन का नहीं होता। क्योंकि पैसे से कभी भी ज्ञान की तुलना नहीं की जा सकती, पैसे से एक अच्छे इंसान की तुलना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार से पैसे से अच्छे गुरु की तुलना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए कभी भी पैसे से गुरु की तुलना मत कीजिए कि मैं फीस तो दे रहा हूँ, मैं पढ़ ही रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ, इससे मुझे अच्छा नहीं लगा। नो, क्योंकि आप जब आप लगाव होगा किसी चीज़ में जब कनेक्शन होगा तभी जाके चीज़ें और इम्प्रूव होंगी, अच्छी होगी। तो टीचर से आप पहले लगाव कीजिए, टीचर से आप लगाव करेंगे तो टीचर तो अपने आप शिष्य से लगाव करता है, और जब दोनों का लगाव बढ़ेगा, दोनों के अंदर जब आंतरिक प्रेम बढ़ेगा, इट मीन्स टीचर जो पढ़ाएगा आप उसकी बातों पर ध्यान देंगे, प्रत्येक बातों पर, तो निःसंदेह आप सफल होंगे। तो ऐसा हमेशा अपने इस मेंटेलिटी को आप हटा दे कि हमारे अध्यापक यदि हम उसको पैसा उन्हें देते हैं तो हमारा वहां से संबंध खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं होना है। ओके, टीचर तो वो है, कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु, कबीरदास जी ने कहा है कि बलिहारी गुरु आपने दोहाणी के बार, जनी मानुष ते देवता करत न लागी बार। उन्होंने क्या कहा है कि मैं अपने गुरु पर अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार हूँ, सब कुछ देने को तैयार हूँ, यहाँ तक कि मैं अपना शरीर भी उन्हें समर्पित कर देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देर नहीं लगाई।
थोड़ी भी देर नहीं लगाई, ऐसे गुरु के लिए मैं सब कुछ समर्पित करने को तैयार हूँ। अर्थात मैं पहले सामान्य इंसान था, उस गुरु ने जिन्होंने मुझे सामान्य मनुष्य से एक अच्छा इंसान बनाया, ज्ञान दिया, मोक्ष का वे दिखलाया, वे टू सालवेशन, मोक्ष का रास्ता दिखलाया, ऐसे गुरु के लिए मैं अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार हूँ। अंडरस्टैंड? तो याद रखिएगा, टीचर के बारे में आप अपनी थिंकिंग, जो भी अच्छे थिंकिंग रखते हैं, जैसी आप थिंकिंग रखेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव होगा, निगेटिव सोचेंगे निगेटिव होगा। दीपक तो टीचर तो वो होता है, आप दीपक देखे हैं ना, दीपक को, दीपक जलता रहता है लेकिन उसके नीचे अंधेरा रहता है, आप ध्यान दीजिए। उसी प्रकार से गुरु होता है, खुद जलता है, चिल्लाता है, अंदर से जितनी उसकी एनर्जी है सब कुछ आपको दे देता है, सब कुछ निछावर दे कर देता है कि मेरा शिष्य कैसे भी ठीक हो जाए, मैं इसको अच्छा बना दूं, जिससे कि मेरा नाम मेरे इस पृथ्वी से जाने के बाद भी इस शिष्य के रूप में मेरा नाम अमर रहे। खुद जलता रहता है, चिल्लाता रहता है, लेकिन अपने ज्ञान के प्रकाश से आपको लाभान्वित करता रहता है, आपको ज्ञान देता रहता है, आपको प्रकाशमय करता रहता है, अपने देश को हर तरह से प्रकाशवान करता रहता है, इट मीन्स ज्ञान को फैलाता रहता है। तो उस गुरु के लिए जो अपने जीवन को जला रहा है लेकिन आपको ज्ञान दे रहा है, क्या आपका फर्ज नहीं है कि आप उस गुरु के प्रति आप भी समर्पण की भावना रखें और गुरु और शिष्य के संबंध को और चरमकर्ष पे ले जाएं, जिससे कि हमारा जो देश, जो कहा जाता है कि द बॉन्ड बिटवीन टीचर एंड टॉट डेड इज सेक्युलर इन इंडिया, वो केवल कथन ही ना रह जाए, जैसा पहले था आज भी रहे। इट मीन्स हमारा देश जैसे पहले था वैसा आज भी है, आगे भी वैसा रहेगा, या करके दिखलाइए। और ये आप ही कर सकते हैं, आपके अंदर ये क्षमता है, क्योंकि आप भारत के वीर हैं और भारत के वीर किसी से कम नहीं। अब मैं आता हूं शिष्य के, गुरु और शिष्य दोनों की मैं तुलना कर रहा हूं, देन आफ्टर मैं कंक्लूजन अपना बताऊंगा। आप याद रखेंगे, याद रखिएगा स्टेटमेंट को कि वन फ्लावर मेक्स नो गार्लैंड, वन फ्लावर मेक नो गार्लैंड। इट मीन्स एक फूल जो है, जब कोई फूल पिरो दिया जाए, याद रखिएगा, तो माला बन जाती है, लेकिन एक फूल माला नहीं बनती। एक फूल को जब आप पिरोते हैं तो एक फूल को पिरोने से माला नहीं बनती, लेकिन वहीं पे कई फूलों को पिरोएंगे, गूथ देंगे, आपस में जोड़ देंगे, मिंगल कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो माला बन जाए। उसी प्रकार से अध्यापक यदि क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं तो किसी एक को नहीं पढ़ाता, वो सबके लिए एक समान भाव रखता है, उसके लिए सब एक समान बराबर है, कोई पक्षपात नहीं करता है, सबको ज्ञान देता है। और आप सभी एक माला की, एक आप सभी एक फ्लावर्स की तरह से हैं, फूल की तरह से हैं, आप सबको वो एक माले में पिरोने की कोशिश करता है, सबको एक प्रकार ज्ञान देने की कोशिश करता है, जिससे कि आपके विचार जो है भारत के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए एक हो, और जब विचार एक होंगे तो माला की तरह से आप जुड़ जाएंगे, और जब जुड़ जाएंगे तो खुद सोचिए कि बहुत सारे तारे जो आसमान में जगमगा रहे हैं, तो एक तारा इतना प्रकाश करता है, लेकिन वही सारे तारे एक साथ मिल जाए तो कितना प्रकाश करेंगे। वैसे ही यदि मैं, मान लीजिए, पढ़ा रहा हूँ अभी इस समय, यदि मेरे सारे टीचर इसी समान हो जाए तो क्या हो? आप मान लीजिए एक विचार रख रहे हैं, लेकिन आपके सारे फ्रेंड यदि एक समान विचार रखने लगे, अच्छे विचार रखने लगे, अच्छी सोच रखने लगे, तो क्या होगा? इट मीन्स ये विचार, ये नैतिकता, ये शिक्षा, ये ज्ञान, ये प्रकाश पूरे भारतवर्ष में फैल जाएगा, और भारत फिर से वही सोने की चिड़िया, वही गुरु और शिष्य का संबंध जो कहा जाता है फिर से हो जाएगा। आज भी है, उसको और बेहतर बनाने की जरूरत है। तो इसलिए याद रखिएगा, गुरु और शिष्य दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। आप सिक्के को उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब गुरु या तो शिष्य दो ही हैं, तीसरा कोई नहीं बीच में, या तो गुरु या तो शिष्य। तो इन दोनों में विश्वास होना चाहिए। यदि गुरु बोल रहा है तो गुरु की बातें को हम ध्यान से सुने, क्योंकि हम जब ध्यान से सुनेंगे, जब गुरु के प्रति जब विश्वास जागृत होगा तो हमें अट्रैक्शन होगा उनके प्रति, जब अट्रैक्शन होगा तो हम उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, और सुनेंगे तो हम उसको फॉलो करेंगे, जब फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा। और जितना ही ये लगाव बढ़ते जाएगा उतना आपसी प्रेम बनते जाएगा, और वही प्रेम आपस में प्रगाढ़ हो जाएगा, और जब प्रगाढ़ होगा तो उसी दिन आप सफलता को प्राप्त कर लेंगे। ज्यादा क्या बोलना है, इतना ही जान लीजिए, एक आत्मा जब दूसरी आत्मा से मिलेगी तो आत्मा प्लस आत्मा आत्मा का स्क्वायर होगा कि नहीं? जब आत्मा का स्क्वायर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी और भी जनरेट होने लगेगी, इट मीन्स और भी अच्छा परफॉर्मेंस आप देंगे। एक चीज और,
टीचर यदि कहीं पढ़ाने जाता है, यदि मैं ही यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूँ, आपको मैं प्रेरित करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं ये कहूँ कि मैं बहुत बड़ा कार्य कर दे रहा हूँ, मैं आपके ऊपर एहसान कर दे रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। गुरु ऐसा नहीं सोचता। ये तो मेरा सौभाग्य है, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स या मेरे जो भी चाहने वाले हैं शुभचिंतक जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा कार्य कर रहा हूँ या मैं एहसान कर रहा हूँ, ये तो मेरा सौभाग्य है। ईश्वर ने मुझे ये तो सौभाग्य दिया, इस अनुरूप समझा कि मैं अपने विचार को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत कर सकूँ, किसी को कुछ बतला सकूँ, कुछ अच्छा नया कराने का प्रयास कर सकूँ, उनके अंदर उत्तेजना मैं भर सकूँ, ऑन फायर उन्हें कर सकूँ, एक्साइटेड कर सकूँ, तो ये तो मेरा सौभाग्य है। मुझे ये सौभाग्य ईश्वर ने दिया, तो मैं यदि इस चीज़ को मानूं कि मुझे सौभाग्य मिला, तो मैं इसको और बेहतर करूंगा। कि ईश्वर ने मुझे इस अनुरूप समझा, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ने यदि मुझे इस अनुरूप समझा, तो मैं क्यों ना उनके सोच से कहीं अधिक देने का प्रयास करूं, क्यों ना उनको बेहतर देने का प्रयास करूं, ये मेरी थिंकिंग होनी चाहिए। और मैं तो हमेशा ऐसा ही रखता हूं, और बाकी मैं अपने शिष्यों से और अपने जो भी लोग हैं उनसे भी यही चाहूँगा कि वे इसी तरह के विचार रखें कि हमें यदि सौभाग्य मिला है तो हम अधिक से अधिक अपने स्टूडेंट्स को, अपने लोगों को देने का प्रयास करें, जिससे कि ये विश्वास बना रहे, क्योंकि विश्वास का होना जरूरी है। ओके, तो एक और सुनिए थॉट, ये भी कहा जाता है कि एवरी मैन इज द एडवोकेट ऑफ हिज ओन फेट। एवरी मैन इज द एडवोकेट ऑफ हिज ओन फेट, मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का विधाता होता है, चाहे आपका भाग्य कुछ भी हो। यू आर द अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर फेट। एवरी, हमेशा याद रखिएगा इस बात को, यू आर अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर फेट, इट मीन्स आप अपने भाग्य के सच्चे निर्माता है। आपके हाथ की लकीर अच्छी बात है, हाथ की लकीर है, आपकी कुंडली जो भी हो, लेकिन कर्म के द्वारा अपने आप हाथ की लकीरों को बदल सकते हैं। इसका मतलब कर्म, और कर्म कौन कराएगा? आपका गुरु कराएगा। यदि गुरु कर्म करा रहा है तो कर्म का रास्ता कौन दिखाया? गुरु दिखाया। गुरु दिखाया तो आपने काम किया, जब आपने काम किया तो आपको सफलता मिली, मोक्ष मिला, या कोई भी अच्छा कार्य हुआ, तो पहला माध्यम कौन हुआ? गुरु हुआ। इसीलिए गुरु को सर्वप्रथम ईश्वर से भी बड़ी संज्ञा दी जाती, इसीलिए कहा जाता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसीलिए गुरु को ईश्वर ने भी बड़ा माना है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हर काम संभव है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बस इतना ही आपसे कहना है कि गुरु को गुरु ही समझा जाए, और समझते हुए एक शिष्य की तरह रहे, और गुरु भी हमेशा इस बात को ध्यान रखे कि ये मेरा शिष्य है, और शिष्य के लिए मेरा क्या कार्य होता है, उस कार्य को हमेशा हम करते रहें, उसमें हम किसी प्रकार की कोई कमी ना करें। ओके, अब मैं लास्ट में आपको बता रहा हूं, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जितने भी मेरे देवता के समान गुरु, मैं अपने लिए कह रहा हूं, पहले मैं अपने गुरुओं को डेडिकेट कर रहा हूं, जो मेरे देवता के समान गुरुवर हैं उन गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूं, और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि इस पृथ्वी पर जब भी मेरा जन्म हो भारतवर्ष में, तो मुझे इन गुरुओं का साथ मिले, इस भारतवर्ष में ही जन्म हो, और इन प्यारे बच्चों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, अपने शुभचिंतकों के बीच में ही मैं रहूं, और कुछ ना कुछ अच्छे करने के लिए मैं लोगों को प्रेरित करते रहूं, और खुद भी अच्छा करते रहूं। तो गुरु और शिष्य का संबंध मैंने आपको डेडिकेट किया, बताया, तो इससे अधिक और कुछ आपको जानने की जरूरत ही नहीं है, बाकी तो आप बहुत कुछ खुद ही जानते हैं। तो मैं एक सॉन्ग पहले बोल रहा हूँ, सुनिए ध्यान से, ये गुरु के लिए 5 सितंबर का, इसलिए छोटा लेक्चर है, मोटिवेशनल लेक्चर है, भोजपुरी में गाना है, ध्यान से सुनिएगा आप सभी, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। कैले बानी कवनी कसूर हो नयन वासे दूर कैनी गुरु जी, कैले बानी कवनी कसूर हो नयन वासे दूर कैनी गुरु जी, दूर कैनी गुरु जी हाँ दूर कैनी गुरु जी, नयन वासे दूर कैनी गुरु जी, कैले बानी कवनी कसूर हो नयन वासे दूर कैनी गुरु जी, हम रउआ रहनी साथे बड़ी प्रेम भाव से, हम रउआ
रहने साथे बड़ी प्रेम भाव से, कौनो ना गलती कहने अपने दिमाग से। रउआ काहे रउआ काहे गई ने भुलाओ हो नयन वासे दूर कहनी गुरु जी, कैले बानी कौनी कसूर हो नयन वासे दूर कहनी गुरु जी। तो इस गाने के माध्यम से मैं अपने गुरुओं से ये कहना चाहता हूँ कि छोटे से लेक्चर में यदि मुझसे कोई गलती भी हो गई हो बोलने में किसी शब्द में, तो उसके लिए मुझे वो क्षमा करेंगे। और एक लास्ट बस एक लाइन का यहीं पे मैं इस वीडियो को समाप्त करूँगा। फिर से एक सॉन्ग गुरुओं के लिए और शिष्य दोनों के लिए समर्पित है, क्योंकि आपस में ये कहीं ना कहीं जुड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा। गुरु के चरण में तेरा जब मन होगा तब ही सफल तेरा जीवन होगा। गुरु के चरण में तेरा जब मन होगा तब ही सफल तेरा जीवन होगा। बचपन बीता खेल में जवानी में तू भूला, आएगा बुढ़ापा नहीं सुमिरन होगा। कैसे सफल तेरा जीवन होगा। गुरु के चरण में तेरा जब मन होगा तब ही सफल तेरा जीवन होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं इस भारत भूमि को प्रणाम करना चाहता हूँ जहाँ की डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानंद और भी तमाम तरह के ऐसे गुरु, महात्मा गौतम बुद्ध, ऐसे तमाम गुरु जन्म लिए जिन्होंने हमारे देश की सुबह को ही नहीं बल्कि हमें आप हमारे आपके जीवन को भी सवार दिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी ख्याति को और भी बढ़ा दिया। चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे वो गुरु के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिष्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो ज्ञान के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हमारे देश के गौरव को उन्होंने बढ़ा दिया। तो उसी तरह से मैं भी चाहूँगा कि आप और गुरु, इट मीन्स गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे से जुड़कर ऐसा कार्य करें कि भारत फिर से वही भारत हो जाए और उस भारत के गौरव को हम हमेशा के लिए बनाए रखें। और जब तक हमारे जान में जान रहे, सांस में सांस रहे, तब तक मैं तो अंत तक इस उम्मीद से ही कार्य करता रहूंगा कि मैं इस परंपरा को कभी तोड़ने नहीं दूंगा और कभी अपने विश्वास को, शिष्यों के प्रति जो मेरा विश्वास है, मैं इसको खत्म नहीं होने दूंगा। इसी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।